नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आज हम बात करने जा रहे हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो आज इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिला, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस शेयर में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में क्या इस शेयर में हमें बाइंग करनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर हमें कुछ टाइम तक होल्ड करके देखना चाहिए कि ये शेयर क्या रियल में ऊपर की साइड में जाने को तैयार है या फिर इसमें करेक्शन फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों आज ये शेयर 933.10 रुपये पे आज क्लोज हुआ है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनेगा। अगर और डिटेल की बात करते हैं तो आप देखेंगे इनका 52 वीक लो है 366 रुपये, जो कि 27 मई 2020 को बना था। वहीं अगर 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 1354.40 रुपये, जो कि 30 मार्च 2021 को कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था। अगर आज के डिलीवरी की बात करते हैं तो 44% की डिलीवरी उठाई गई। क्वांटिटी की बात कर लेते हैं तो 4,99,000 का इसमें डिलीवरी उठाया गया है। तो देखते हैं और डिटेल क्या कहता है। दोस्तों अगर कंपनी के प्रॉफिट और अगर कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिला इनके रेवेन्यू में। अगर साथ के साथ प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2018 में कंपनी को 0.29,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2019 की बात करते हैं तो 0.38,000 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया। 2020 में जबकि 0.67,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, और 2021 में तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट देखने को मिला कंपनी में, 1.17,000 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया। यानी कि कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का रेवेन्यू दोनों काफ़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। अगर कंपनी के ऑल टाइम चार्ट लगाकर देखें तो आप देखेंगे कंपनी काफ़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहा था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिला है कंपनी में। लेकिन उसके बाद फिर जो बाउंस किसने किया वो काफ़ी अच्छी बात है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर कंपनी के हम कुछ और डिटेल की बात कर लेते हैं तो देख लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू हम 2010 से लेकर अभी तक का डेटा देखेंगे, 2021 तक का। तो आप देखेंगे हर साल कंपनी का रेवेन्यू आपको ग्रोथ के साथ ही दिखेगा, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीच में एक भी साल ऐसा नहीं था जब इनका रेवेन्यू घटता हुआ दिखे, यानी कि पिछले हम 10-11 साल की बात कर रहे हैं, 10-11 साल में इनका रेवेन्यू कंटिन्यूसली काफ़ी तेजी के साथ बढ़ा, ये एक अच्छी बात है। देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देखेंगे नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली काफ़ी तेजी के साथ कंपनी का ग्रो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव सिग्नल देता है कि कंपनी का पिछले 10-11 साल में इतनी तेजी के साथ ग्रो हो रहा है, बीच में कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि डगमगा रहा है। हालांकि आप देखेंगे 2017 में कंपनी को और भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था, 2016 से कंपेयर करेंगे, लेकिन फिर वो प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश किया और उसके बाद शेयर ने फिर से कंटिन्यू अपनी प्रॉफिट जारी रखा है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनेगा। अगर स्टॉक प्राइस CAGR की हम बात कर लेते हैं तो 10 साल में अब देखेंगे डेटा अवेलेबल नहीं क्योंकि बहुत पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है। 3 साल की बात करें तो 11% और 1 साल में 79% तक का डिटेल देखने को मिल जाएगा। अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में आप देखेंगे 39%, 5 साल में 41%, 3 साल में आपको 59% और TTM में 73% तक का डेटा देखने को मिलेगा। यानी कि जो इनके प्रॉफिट ग्रोथ का डेटा है वो कमाल का है। तो देख लेते हैं कंपनी के सेल ग्रोथ की, तो आप देखेंगे 10 साल में 41%, अगर बात करें 5 साल में 37%, 3 साल में 41% और आपको TTM में 16% का डेटा देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं, आप देखेंगे 10 साल में 23%, 5 साल में 24%, 3 साल में 21% और लास्ट ईयर आपको 27% तक का डेटा देखने को मिलेगा। यानी कि ओवरऑल जो डेटा है वो काफ़ी कमाल का डेटा है। तो मेरे ख्याल से इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है। तो देख लेते हैं और डेटा क्या बोलता है। दोस्तों अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं तो आप देखेंगे 28% की होल्डिंग जो कि प्रमोटर्स के पास है। FIIs की बात करते हैं तो 32%, DIIs की बात करते हैं तो 20%, वहीं अगर पब्लिक की बात करें तो 18% की होल्डिंग जो कि पब्लिक के पास इस टाइम अवेलेबल है। तो देख लेते हैं रिटर्न का क्या डेटा बनता है। 1 साल में कंपनी ने लगभग 70% का रिटर्न दिया है, जबकि 1 महीने में यह कंपनी लगभग आपको 27% का करेक्शन दिखा चुका है, यानी कि शेयर काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा मौका है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको खरीदारी करनी है तो ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है। तो देख लेते हैं यह कंपनी और कितना ज़्यादा करेक्ट होने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे जो करेक्शन आ रहा है उसमें वॉल्यूम भी बहुत साथ दे रहा है, इसका मतलब ये करेक्शन धीरे धीरे कंटिन्यू रह सकता है। तो देख लेते हैं शेयर और ज़्यादा कितना करेक्ट हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर इसमें करेक्शन की बात करें तो इस टाइम यह शेयर अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर भी खड़ा हुआ है, तो यानी कि यहाँ से अगर नीचे जाता है तो इसमें भारी गिरावट देखने को मिलेगा और आपको 883 रुपये तक का डेटा देखने को मिल जाएगा अगर नीचे डाउन
साइड में जाता है। लेकिन अगर 883 रुपये का भी अगर टारगेट यानी सपोर्ट तोड़ देता है तो उसके बाद आपको 842 रुपये का अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहीं से अपसाइड जाने की कोशिश करता है, जो कि बहुत ही कमी उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, जिस हिसाब से इसमें कैंडल्स जनरेट हो रहे हैं, उस देखकर यही लगता है कि अभी इसमें थोड़ी सी वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। अगर कंटिन्यू होते हो तो 883 रुपये तक का इनका लेवल जो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और वहाँ पर ये शेयर संभल कर फिर से मूवमेंट ऊपर करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों एक बार करेक्शन हो जाने दे, उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए खरीद। कंपनी का जो डेटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी अच्छा डेटा है। लॉन्ग टर्म के लिए इनका जो डेटा मिल निकल कर आ रहा है वो काफ़ी अच्छा डेटा है, तो मेरे ख्याल से इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। कम से कम आप 3 से 5 साल के लिए होल्ड करें, आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न कंपनी बना के देगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।